Good morning students. Today we will start with the first chapter in maths, that is large numbers. You already know about the largest numbers and the smallest numbers. You have studied six digit numbers in class 4th. Like the largest four digit number is 4 times 9. That is 9999. The greatest 5 digit number is 6 times 9. That is 99999. The largest 6 digit number is 6 times 9. That is 999999. Similarly, the smallest 4 digit number is 1000. Like 1 and 30. The smallest 5 digit number is 10,000, 1 and 40. The smallest 6 digit number is 1 lakh, 1 and 50. Now we have to revise what we have learned in class 4th, and for that we will do revision exercise first. So let's start. First question: write the largest 5 digit number. Largest 5 digit number बताना. तो क्या था ये 5 digit number? 5 times 9. तो इसका क्या answer होगा? 999. That is 99,999. Second, the smallest 5 digit odd number. For that, we have to know about what is odd number. Odd numbers, number which is not divisible by 2, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9. Odd number वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं. Even number वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं. Number which is divisible by 2, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8. First question का second part ये था, the smallest 5 digit odd number. अब अपने odd number के बारे में पढ़ा कि odd number क्या होता है. Smallest 5 digit सबसे पहले अपन लिख लेते हैं. तो क्या है smallest 5 digit? 1 and 4 times 0. इसको अपन को ऑड नंबर बनाना है. तो उसको ऑड नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस 1, 1 ऐड कर लेंगे. तो ये क्या बना? तो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर इज 1001. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. तो अपन ने क्या पढ़ा था? द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख, 1 और 50. तो क्या इसका आंसर हुआ? 1 लाख, 1 एंड 50. दैट इज 1 लाख. नाउ फोर्थ पार्ट, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स. अपन को लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है 3 डिफरेंट डिजिट यूज करके. फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 6 टाइम 9, बट इन दिस डिजिट आर सेम. सो फॉर द डिफरेंट डिजिट वी विल टेक द नंबर लेस देन 9, दैट इज 8, एंड द नेक्स्ट नंबर लेस देन 8, दैट इज 7. So the answer is 9, 9, 9, 9, 8 and 7. तो अपना क्या आंसर आया? 9, 9, 9, 9, 8, 7. 6 डिजिट बनाना था लार्जेस्ट नंबर 3 डिफरेंट डिजिट को यूज करके. सो This is the answer. Next, fifth part.
The question is the largest 5-digit number using the digit this, so that 9 is at 10th place. इसका मतलब है कि largest 5-digit number अपन को बनाना है इन नंबर को यूज करके, बट 9 टेंथ प्लेस पे आना चाहिए. क्वेश्चन बोल रहा है कि इन डिजिट को यूज करके 5-digit लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन जो 9 है वो 10th प्लेस पे आना चाहिए. तो 9 से छोटा कौन सा है? 8. तो सबसे पहले आ जाएगा 8. नेक्स्ट नंबर 6. तो नेक्स्ट नंबर 6. फिर 6 से छोटा 3. तो 3. क्या बोल रहा था उसने कि 9 10th प्लेस पे आना चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा 9 10th प्लेस पे. देन क्या बचा? 1. तो क्या आंसर आया अपना? 8 6 3 9 1. 9 कौन सी प्लेस पे आना चाहिए था? 10th प्लेस पे. तो ये 10th प्लेस पे आ गया. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यू हैव टू राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर नेम. फर्स्ट 57,624. इस नंबर नेम को न्यूमरल फॉर्म में लिखना है. सो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट है 57,000, तो इसको 57 कैसे लिखेंगे? 10,000 की प्लेस पे 5 और 1,000 की प्लेस पे 7. नेक्स्ट है 600, तो 100 की प्लेस पे 6 आ जाएगा. नेक्स्ट 24, टेंस की प्लेस पे 2, वंस की प्लेस पे 4. तो इसका आंसर क्या हुआ? 57,624. नेक्स्ट वी विल डू सी पार्ट. 409,105. तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहला क्या है? 4 लाख. तो लाख की प्लेस पे आ गया 4. नेक्स्ट बोल रहा है 9,000. यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. 1,000 की प्लेस पे है तो 9. नेक्स्ट दे रखा है 100, तो 100 की प्लेस पे क्या आया? 1. देन दे रखा है 5, वंस की प्लेस पे 5. टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसलिए इसका जगह पे आ जाएगा 0. तो अपना आंसर क्या आया? 4 लाख. यहाँ पे 10,000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसलिए 0. 9,000 की प्लेस पे 9. 100 की प्लेस पे 1. टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है, इसलिए 0. और वंस की प्लेस पे 5. नेक्स्ट आप अपने आप करेंगे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसको कैसे लिखेंगे? 60,000, कौन सी प्लेस है ये? 10,000 की प्लेस है. फिर क्या है? 9,000, कौन सी प्लेस है ये? 1,000 की प्लेस है. 80, कौन सी प्लेस है? 10th की प्लेस है. और 2, 1's की प्लेस है. यहाँ पे 100 की प्लेस मिसिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 69. 100 की प्लेस पे कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0. 10th की प्लेस पे 8, 1's की प्लेस पे 2. नेक्स्ट वील डू सी पार्ट. 9 लाख, कौन सा प्लेस है ये? लैख वाला प्लेस है. 4,000, कौन सा प्लेस है ये? 1,000 वाला प्लेस. और 8, वंस वाला. बीच में बहुत सारी प्लेसेस मिसिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? लैख वाले प्लेस पे 9 आ गया. अब बीच में क्या मिसिंग है? 10,000 वाली प्लेस मिसिंग है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0. नेक्स्ट 1,000 वाली प्लेस है, तो इधर क्या आ जाएगा? 4. अब नेक्स्ट 100 वाली प्लेस भी मिसिंग है और 10th वाली प्लेस भी मिसिंग है, तो यहाँ पे कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे. 1's की प्लेस दे रखी है 8, तो ये आ जाएगा 8. नाउ रेस्ट डी एंड ई पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ.
Next, fourth question. Write the place value for each of the circled digits according to the Indian place value system. Question बोल रहा है सर्कल डिजिट को इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. इसके लिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पता होना चाहिए. अब वो क्या है इंडियन प्लेस वैल्यू, देखते हैं. पीछे से स्टार्ट करते हैं. पहले आता है वंस, नेक्स्ट टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख. जैसे अपना डिजिट ये है तो फाइव क्या हो गया वंस, नाइन क्या हो गया टेंस, फोर, हंड्रेड, थ्री, थाउजेंड और एट की प्लेस कौन सी है टेन थाउजेंड. सो एट का क्या आंसर आया टेन थाउजेंड की प्लेस पे एट है. नेक्स्ट फिफ्थ फाइव कौन सी प्लेस पे है वंस की प्लेस पे, नाइन टेंस की प्लेस पे, टू हंड्रेड की प्लेस पे, सिक्स थाउजेंड की प्लेस पे, थ्री टेन थाउजेंड की प्लेस पे और वन लैक की प्लेस पे. तो वन कौन सी प्लेस पे आया लैक. नेक्स्ट आप अपने आप खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. Write the place value for each of the colored digit according to the international place value system. अब इसमें colored digit को international place value system के हिसाब से उसकी place value बतानी है. अब तो इसके लिए international place value system देखते हैं जो आपकी book में पेज नंबर 11 पे भी दे रखा है. जैसे फर्स्ट इसमें तीन बॉक्सेस होते हैं, ये तीन में डिवाइड होता है मिलियंस, थाउजेंड्स, वंस. अब पहले वंस वाला बॉक्स देखते हैं. वंस वाले बॉक्स में पीछे से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है वंस, नेक्स्ट आता है टेंस, उसके बाद आता है हंड्रेड. फिर नेक्स्ट बॉक्स ये भी तीन में डिवाइड होता है. फर्स्ट वही पीछे से थाउजेंड, नेक्स्ट टेन थाउजेंड, फिर लास्ट वाला हंड्रेड थाउजेंड. अब मिलियंस, मिलियंस भी तीन में डिवाइड होता है. फर्स्ट मिलियन, नेक्स्ट टेन मिलियन और फिर लास्ट हंड्रेड मिलियन. जैसे थाउजेंड वाले में टेन थाउजेंड है बीच वाला, मिलियन वाले में बीच वाला है टेन मिलियन. इसमें ये फर्स्ट वाला है हंड्रेड थाउजेंड तो मिलियन वाले में है हंड्रेड मिलियन.